नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज बात करेंगे आपके घर में आप कैसे नेगेटिव एनर्जी को पहचान सकते हैं, या फिर नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में समाई हुई है और आपके लाख उपायों के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पाई। तो कैसे आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालेंगे, कैसे उससे छुटकारा पाएंगे, आपको बताएंगे। चर्चा होगी दैनिक राशिफल की, आपके प्रश्नों का जवाब भी दिया जाएगा। सफलता का अचूक महा उपाय आज भी बहुत खास है, और रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री नवग्रहों की तमाम पीड़ाओं को, तमाम तरीके की जो दुविधा परेशानी उनके द्वारा होती है, वो बिल्कुल खत्म कर देगी। तो जुड़े रहिए ज्योतिष गुरु के साथ। शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम सूर्याय नमः, यह मंत्र 108 बार जाप करने से आपकी तबीयत, आपका स्वास्थ्य, आपकी सेहत एकदम से ठीक होने लगेगी। तो जब आप महसूस करें कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा है, तो इस मंत्र को आप जरूर जपें। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 12 फरवरी 2023, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र होगा स्वाति। चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय भी आप नोट कर लीजिए, शाम 4:30 से 6 के मध्य। ये वो समय है जब आप कोई रुका हुआ या महत्वपूर्ण कार्य को दोबारा से शुरू बिल्कुल ना करें। दिशाशूल होगा आज पश्चिम दिशा, यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को आप कैसे पहचान सकते हैं कि वहां पर नेगेटिव एनर्जी है या फिर नहीं। अगर नेगेटिव एनर्जी है तो उसका आभास आपको कैसे होगा, आइए बताते हैं। हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को हम सरल तरीके से पहचान सकते हैं और छोटे छोटे उपाय करके उन्हें दूर भी लगभग किया जा सकता है। अब पहला लक्षण आप पहचान जाइए, अचानक घर के मुखिया का नौकरी, व्यापार या कोई संस्थान अगर चल रहा है तो अचानक से बंद हो जाए, तो यह नकारात्मक ऊर्जा की विशेष पहचान होती है। अचानक घर में पढ़ने वाले बच्चों का ध्यान भटकाव की स्थिति में आ जाए, यह भी एक नेगेटिव एनर्जी का लक्षण है। अचानक परिवार के सभी लोगों को चोट लगने लगे, महिलाएं, हमारी माताएं बहनें चोटिल हो जाएं और आर्थिक तौर पर पुरुषों को नुकसान होने लगे, यह भी एक नेगेटिव एनर्जी की विशेष तौर पर पहचान मानी गई है। परिवार में रहने वाली महिलाओं को अकारण बीमारियां होने लगे और लाइलाज हो जाएं, उनका कोई इलाज ना हो, उपाय ना मिल पाए, तो यह समझ जाइए कि नेगेटिव एनर्जी ने आपके घर में अपना घर बना लिया है। अब कौन कौन सी छोटी गलतियां करके आप नकारात्मक ऊर्जा को बुला लेते हैं, कैसे उनका आपके घर में जमावड़ा हो जाता है, आइए आपको समझाते हैं। आप अपने घर की महिलाओं का सम्मान नहीं करते, जिससे कि कुंडली का शुक्र और चंद्रमा दोनों आपको अशुभ परिणाम देने लगता है और आपके घर में दरिद्रता का वास होता है, और जब दरिद्रता का वास होता है तो घर में पैसे की आवक, पैसे की इनकमिंग बंद हो जाती है, आपको पैसे के लिए उधारी की ओर जाना पड़ता है और आपकी कुंडली का मंगल भी खराब हो जाता है। घर के दक्षिण पूर्वी कोने में अगर आप जल भराव रखते हैं, यानी कि जो आग्नेय कोण है वहां पर जल की स्थिति बनी हुई है, तो वास्तु दोष उत्पन्न होने के कारण दरिद्रता का वास होगा, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी परमानेंट रूप से रहने लगेगी। रात्रि में देर तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं, इससे भी आपकी कुंडली का शनि और चंद्रमा दुष्प्रभावित होता है, घर में दरिद्रता आने लगती है, पैसे की कमी हो जाती है, मानसिक तनाव हो जाता है। घर में छोटी छोटी बातों पर आप आपसी कलह कलेश करते हैं विदाउट लॉजिक, कोई कारण नहीं होता है, आप आपस में बैठे हैं, अकारण से झगड़ा शुरू हो गया, तो पहचान जाइए कि यह सब आपको नहीं करना है। घर में इधर उधर गंदे कपड़े या फिर टूटी हुई चीजें आप जमा करके रखते हैं, तो इस चीज की पहचान आप कर लीजिए कि यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा
रहने लगेगी। अब कैसे हटाना है अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को, आपके साथ उपाय साझा करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं मेष वृष मिथुन का दैनिक राशिफल। मेष राशि, वाहन की प्राप्ति होगी, व्यापार में निवेश बहुत सोच कर करें, कन्याओं को हलवा खिलाएं, लाल फूल हनुमान जी को चढ़ाइए, शुभ रंग होगा नारंगी। वृषभ राशि, व्यापार में निवेश से लाभ होगा, रिश्तों में आपको सावधानी जरूर बरतनी है, नया व्यापार आपका शुरू होने वाला है, किसी कन्या को सफेद खिलौना आप दान कर दीजिए, शुभ रंग होगा सफेद। मिथुन राशि, बड़े बुजुर्गों का आपको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, परिवार में खुशी आएगी, अपने पिता का भरपूर सम्मान करें, देवी मंदिर में एक छोटी सी चुनरी आप अर्पित करें, शुभ रंग होगा लाल। मित्रों, अब आपको बताते हैं कि जो घर की गंदगी होती है, जो घर की आप जो कूड़ा करकट इकट्ठा कर लेते हैं, प्रॉपर सफाई नहीं करते, वो गंदगी कैसे नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर बुलाती है, आइए समझते हैं। देखिए, घर की धूल मिट्टी और गंदगी में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की बहुत तेज शक्ति होती है, इसी कारण स्वास्थ्य में गड़बड़ी होने के कारण आपके हर कार्य में दिक्कत आती है, क्योंकि जहां नेगेटिव एनर्जी होगी सबसे पहला उसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर आएगा, और मैं तो ये कहूंगा दुष्प्रभाव पूर्ण रूप से आ जाएगा, आप बीमार रहने लगेंगे। घर को गंदा रखने से नकारात्मक ऊर्जा का असर बढ़ना शुरू हो जाता है, बहुत सारे उपाय करने के बाद भी इस नकारात्मक दोष को आप नहीं खत्म कर पाते हैं, और कोई भी छोटा छोटा उपाय जो आप अपनाते हैं उसका प्रभाव नहीं मिल पाता, आप बीमार रहने लगते हैं, आपके धन का नुकसान होता है, और इसी के साथ ही व्यापार या नौकरी में भी प्रतिदिन कोई ना कोई नई मुसीबतें आती रहती हैं। मित्रों, आप बिल्कुल ना घबराएं, ज्योतिष गुरु के छोटे छोटे उपाय आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को बिल्कुल बाहर निकाल देंगे। तो कैसे हटानी है नकारात्मक ऊर्जा, आइए समझते हैं। घर में जहां भी गंदगी दिखे आप तुरंत साफ करें, जाले हैं, डस्टिंग है, आपको प्रॉपर सफाई करनी है, प्रति शनिवार जाले, धूल मिट्टी, साफ सफाई की व्यवस्था करना आप शुरू कर दीजिए। भाई, सप्ताह में आपको समय नहीं मिलता तो शनिवार के दिन सफाई का विशेष नियम बताया गया है। घर की गंदगी वाले स्थान पर जहां भी आपको लगता है यहां डस्टिंग हमने करी है, वहां पर आप एक दीपक जलाएं, थोड़ा सा कपूर जलाएं तो आपके लिए उत्तम होगा। शाम के समय हर कमरे में गूगल और लोबान की आप धुनी दिखा सकते हैं, धूप दीप जला सकते हैं, कम से कम घर में 3 बार आप शंख अवश्य बजाइएगा, और एक तांबे के लोटे में आपको गंगा जल भरना है, गायत्री मंत्र का आसन पर बैठकर 108 बार जाप करना है, इसी अभिमंत्रित जल को अपने सारे घर में इसका छिड़काव कर दीजिए, और आप अपने घर के मंदिर में एक शुद्ध घी का या गाय के घी का आपको एक दीपक जरूर जलाना है, सुबह और शाम घर के मंदिर में ये ज्योत, ये दीपक आपको जरूर जलाना है। आइए मित्रों, अब जानते हैं कर्क सिंह कन्या का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, नौकरी में कोई बदलाव ना करें, अपना वाहन बहुत ध्यान से चलाएं, अपनी माता की सेहत पर ध्यान दें, देवी पार्वती को गुलाब का फूल अर्पित करें, शुभ रंग होगा गुलाबी। सिंह राशि, शाम तक शुभ सूचना आपको मिलेगी, अपने आभूषण, अपनी ज्वेलरी संभाल कर रखें, मन में किसी तरीके से उदासी ना लाएं, देवी दुर्गा को पीले फूल चढ़ाएं, शुभ रंग होगा पीला। कन्या राशि, अचानक चोट लगने से आप बचेंगे, जीवन साथी का भरपूर सम्मान करें, कोई यात्रा ना करें तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, छोटी कन्याओं को मिठाई अवश्य बांटें, शुभ रंग होगा मरून। मित्रों, ज्योतिष गुरु की हेल्पलाइन नंबर पर प्रतिदिन कोई ना कोई लोग अपना प्रश्न भेजते रहते हैं, आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न है, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, व्यापार को, सेहत को, संतान को लेकर हो,
अपने प्रश्नों का जवाब ज्योतिष गुरु से पाइए और हमारी हेल्पलाइन नंबर को आप नोट कर लीजिए 9643333444। तो पहला प्रश्न हमसे पूछा है विनय ने दिल्ली से, बहुत स्वागत है। संतान प्राप्ति कब होगी, कोई उपाय बताएं। विनय, आप सिंह लगन और मेष राशि के हैं, तो भाई वर्तमान समय में राशि पर राहु का गोचर है और पंचम दृष्टि आपके संतान भाव पर है, तो पंचम भाव में पापी ग्रह होने के कारण भी और राहु से ग्रस्त होने के कारण भी संतान की प्राप्ति नहीं हो सकी। लेकिन आप निराश ना होइएगा, अपने घर के ईशान कोण में आप एक मंदिर या एक छोटा सा भगवान शिव का चित्र लगाएं, अपने पितरों के नाम से अमावस्या के दिन या शुक्रवार के दिन दो छोटे छोटे पीपल के पौधे आप किसी धार्मिक स्थल पर लगाएं। 7.5 रत्ती तक का एक शुद्ध पुखराज आपको धारण करना है। ये छोटे छोटे उपाय आपके मन की इच्छा को पूर्ण करेंगे। दूसरे दर्शक हैं प्रीति फरीदाबाद से, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं मुझे करियर में सफलता नहीं मिल पा रही, जानना है क्या मेडिकल क्षेत्र में सफल हो पाऊंगी। देखिए, आप तुला लगन और मीन राशि की हैं। कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य राहु की युति है जो कि आपके हर कार्य में परेशानी जरूर करेगा। मेडिकल क्षेत्र में जाने की संभावनाएं थोड़ा सा कम है, हम आपको निराश नहीं करेंगे, फिर भी आप उपाय का सहारा लीजिए। शुक्ल पक्ष के बुधवार का आपको व्रत रखना है, सुबह के समय मंगल मूर्ति यानी भगवान गणेश के स्तोत्र का पाठ करना है और 6.25 रत्ती तक का शुद्ध पन्ना रत्न जरूर धारण करें। मित्रों, आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न है तो आप ज्योतिष गुरु के हेल्पलाइन नंबर पर जरूर साझा करें। आइए जानते हैं तुला वृश्चिक धनु का दैनिक राशि। तुला राशि, नया मकान खरीदने का योग है, अपनी संतान की ओर अवश्य ध्यान दें। मित्रों से बात बिल्कुल ना छुपाएं, कोई भी बात हो साझा अवश्य करिए, आपको मदद मिलेगी। देवी मंदिर में कमल का पुष्प अर्पित करें, शुभ रंग होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, विदेश यात्रा का योग टल सकता है, नौकरी में सफलता आपको मिलेगी, कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। अपनी मां को, अपनी मदर को कुछ ना कुछ उपहार, कुछ ना कुछ गिफ्ट दें, आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ रंग होगा लाल। धनु राशि, मन की दुविधा खत्म होगी, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, पैरों की समस्या भी खत्म होती दिख रही है। लक्ष्मी जी को गुलाब का फूल या गुलाब का इत्र अर्पित करें, शुभ रंग होगा सुनहरी। आइए मित्रों, अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। मित्रों, यह वर्ष आपकी नौकरी, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए उत्तम रहेगा। इस वर्ष की शुरुआत में कोई निवेश ना करें तो यह आपके लिए फायदेमंद होगा। रुके धन की प्राप्ति आपको अप्रैल महीने तक अवश्य होगी। स्वास्थ्य, धन और रोजगार की तमाम समस्याओं को खत्म करने के लिए सुबह के समय आप सुंदरकांड का पाठ करें और अपने माथे पर केसर का तिलक अवश्य करें। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। आइए जानते हैं मकर कुंभ मीन का दैनिक राशिफल। मकर राशि, विचारों में शुद्धता और सकारात्मकता लाएं, मित्रों का सम्मान करें, निवेश बिल्कुल ना करिएगा आज के दिन, देवी मंदिर में फल अर्पित कर दीजिए, शुभ रंग होगा नीला। कुंभ राशि, रुके धन की प्राप्ति होगी, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जमीन जायदाद की समस्या खत्म होगी, देवी मंदिर में थोड़ी सी मेहंदी अर्पित करें, शुभ रंग होगा गुलाबी। मीन राशि, बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें, संबंधों में मिठास आएगी, मित्रों का साथ मिलेगा, देवी मंदिर में एक पका हुआ पीले रंग का सीताफल अर्पित करें, शुभ रंग होगा पीला। मित्रों, बात करते हैं सफलता के उस अचूक महा उपाय की जिसको अपनाने से आपका रुका हुआ और महत्वपूर्ण कार्य सफल हो सकता है। क्या करना है उपाय के तौर पर, रात में सोने से पहले अपने हाथ पांव धोइए, 27 बार ओम मंत्र का जाप करिए और आराम से सो जाइए, रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे।
बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। आज माताओं बहनों को हम बताने वाले हैं यदि उन्हें आंखों की कोई समस्या है क्या करना है उपाय। चना, बादाम, मिश्री और सौंफ समान मात्रा में पीसिए। सुबह के समय दूध के साथ इसका सेवन करिए, आपको फर्क दिखेगा। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों के सम्मान की यानी कि उनके रेस्पेक्ट की। भगवान शिव को केसर का तिलक अर्पित करें और अपने कंठ पर भी उसी उंगली से आप तिलक लगाएं, आपको फायदा होगा। बात करते हैं रसोई घर के उस अचूक महाउपाय की जिसको अपनाने से नवग्रहों की शांति आपको जरूर दिखेगी। आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं आपके लिए जटा वाला नारियल, कैसे प्रयोग में लाएं। एक जटा वाले नारियल पर अपनी लंबाई के बराबर नीला धागा बांधें। नवग्रहों की शांति की प्रार्थना अपने पितर, अपने कुलगुरु देवी देवताओं से करें और यह नारियल देवी दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी कुंडली के नवग्रह आपको शुभ परिणाम अवश्य देंगे। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया कि कैसे आप अपने घर से छोटे छोटे उपाय करके नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल सकते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को पहचानने का तरीका क्या है। मित्रों, फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। नमस्कार।